महाशिवाय हर कर महादेव। आज मैं आप लोगों को दो बातें बताऊंगी। एक तो मंत्र जाप हमें क्यों करना चाहिए और दूसरा हम मंत्र जाप कैसे करें। मंत्र जाप हमें इसलिए करना चाहिए क्योंकि मंत्र जाप हमारे आसपास की नकारात्मकताओं को हमारे अंदर आने नहीं देता, हमारे अंदर ऐसी शक्ति बना देता है कि हम स्वयं में ही बहुत सारी चीज़ें करने वाले बन जाते हैं। हर मंत्र अलग अलग शक्ति से जुड़ा हुआ है, वो शक्ति का हमारे अंदर प्रवेश हो जाता है और हमारे औरे में हमारे आसपास वैसी ऊर्जा बन जाती है। हम सुरक्षित हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं और अब जब हम सुरक्षित और मजबूत हो जाएंगे, हम कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, हमारे काम ठीक होंगे, हम बाहर की आसपास की जो भी नकारात्मकता है उससे इफेक्टेड नहीं होते और अपने अंदर की सकारात्मकता को लेके जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो मंत्र जाप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई ना कोई जाप आप लोगों को रेगुलर करना ही चाहिए, वो ज़रूरी है, तभी तो आपकी ऊर्जाएं आपके औरे के अंदर ही सुरक्षित रह पाएंगी और आसपास की जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं उनसे आप बचे रहेंगे। अगर आप मंत्र जाप नहीं करते तो आपका औरा वीक होता है, एक सुरक्षा कवच जो आपके आसपास ये जाप बनाते हैं वो बन नहीं पाता। ठीक है, इतना तो आपको पता है कि मंत्र जाप करना है। अब आप लोग मंत्र जाप करते हैं। मंत्र जाप आप लोग तीन तरीके से करते हैं। एक तो आप मन में आप अपना कर लेते हैं, बोल लेते हैं। एक आप बुदबुदा देते हैं, मुँह से हल्का हल्का सा बोलते हैं कि पूरी क्लियर आवाज़ भी नहीं आती। और एक आप जोर से जाप कर सकते हैं। देखिए, याद रखिए, अगर आप मन के अंदर सिर्फ अपने मन के अंदर ही जाप कर रहे हैं तो भी आप क्या कर रहे हैं कि आप अपने अंदर ऊर्जा को पैदा कर रहे हैं। वो ऊर्जा आपके अंदर बिल्कुल बन रही है और वो धीरे धीरे आपकी ऊर्जाओं को बढ़ाएगी, लेकिन उसमें आपके अंदर ही वो मंत्र कहीं ना कहीं घूमेगा। हमें क्या चाहिए, हमारे आउटर ऑरे में भी वो मंत्र जाए। अगर आप अपने मन में मंत्र करने की बजाय जोर से बोल के करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा, ताकि वो जो ऊर्जाएं हैं आपके आसपास अच्छे से एक सुरक्षा चक्र बना सकें। आवाज़ की भी अपनी वाइब्रेशन होती है और वो वाइब्रेशन अपने आप ही उस ऊर्जाओं को बढ़ावा दे देगी। जब आप मन मन में बोल रहे हैं तो वो मन की वाइब्रेशन है, और जब आप आवाज़ का भी ले रहे हैं सारा, तो एक अलग ही आवरण बन जाता है। ज़्यादा अच्छा है कि आप जोर से बोल के करें, बुदबुदाएं भी नहीं, क्लियर बोले। देखिए, जब आप बोल के मंत्र करेंगे तो उसकी पावर अलग ही होती है। आपने बोल के मंत्र करना है, फिर देखिए उसकी जो वाइब्रेशंस है, जो आवाज़ की वाइब्रेशन आके आपके आसपास जो एक स्ट्रॉन्ग ऑरा बन जाएगा उसको आप खुद ही फील करेंगे। जब आप बैठेंगे, ध्यान लगाएंगे, आराम से मंत्र का जाप करेंगे, तब आप देखिए क्या ऊर्जाएं आती हैं। लोगों को लगता है कि बस जाप करना ज़रूरी है, हमारे पास समय नहीं है, समय का अभाव हम सब दिखाते हैं, ऐसा नहीं होता है। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट अगर आपके पास नहीं है आपके खुद के लिए तो फिर क्या फ़ायदा। आप जल्दी उठिए ना, थोड़ा सा आपको अपने लिए समय निकालना पड़ेगा और आपको वो मंत्र जाप करना पड़ेगा। इतना समय निकालिए अपने लिए, बैठ के आराम से बिल्कुल तसल्ली से मंत्र कीजिए। ऐसा नहीं कीजिए बस चलते चलते कहीं भी कर रहे हैं, शुरू हो गए बस में ट्रेन में, हाँ ठीक है, आपको अच्छा लगता है कि आप बस में ट्रेन में भी ये चीज़ें पढ़ें क्योंकि आपको सकारात्मकता मिलती है, लेकिन असली ऊर्जा तभी आती है जब आप शांति से प्यार से पढ़ के कर रहे हैं। असली सकारात्मक और वो ऊर्जा आपको तभी मिलने वाली है। कोई खाना पूर्ति नहीं कर रही है कि चलते चलते कर दिया। आप खाना खाते हैं क्या चलते चलते? आप नहाते हैं क्या चलते चलते? आप पूजा करते हैं क्या मंदिर में चलते चलते? इस तरीके से ट्रेन में जब आप ये चीज़ें नहीं करते हैं तो फिर आप जाप क्यों करेंगे? वो तो आपके औरे को स्ट्रांग बनाता है, कोई मतलब ही नहीं रह जाता ऐसे करने का। आपको अच्छा लग रहा है, अब भगवान का नाम लीजिए, कोई बुराई नहीं है, लेकिन जाप आप आराम से तसल्ली से बैठ के ध्यान की मुद्रा में ही कीजिए। जब आप कर रहे हैं तो देखिए आपको समझ में नहीं आता है कि आप कौन सा जाप करें। देखिए एकदम सिंपल बात है, अगर आप कोई भी मंत्र नहीं करना चाहते आप ओम का मंत्र डेली कर लीजिए। सिंपल आप ओम का जाप भी कर सकते हैं। ओम अपने आप में कंप्लीट है, संपूर्ण है। यमराज नचिकेता संवाद में यमराज ने नचिकेता को बोला कि ओम अपने आप में संपूर्ण है, ओम में सारी चीज़ें हैं, ब्रह्मांड की पूरी ऊर्जा ओम में समाहित है। अगर आप ओम का भी जाप करते हैं तो अपने आप में ही वो संपूर्ण हो जाता है। आपको कुछ नहीं करना है, आँख बंद करके ओम बोलना, और जितना आप लंबा आलाप ले सकें उतना अच्छा है। नहीं कर सकते तो कम से कम थोड़ा तो खींचिए ना ओम का आलाप। इस तरीके से ध्यान मुद्रा में रहिए और आराम से आप आराम से ध्यान लगाइए। ओ
इस तरीके से एक लंबा आलाप लगाइए, एक लंबी आवाज निकालिए। अगर आप एक छोटा सा मंत्र ही करना चाहते हैं, ओम नमः शिवाय, अपने आप में संपूर्ण है, आपको कोई और मंत्र नहीं करना, आप सिंपल ओम नमः शिवाय जोर से बोल के 108 बारी कर लीजिए। जो भी मंत्र का आपको जाप करना है 108 बारी तो बोलना ही पड़ेगा ना, तभी तो वो सुरक्षा कवच पूरा होगा। ये वीडियो मैं अपनी पहले डाल चुकी हूँ कि क्यों 108 बारी ही हमें करना होता है। आप सिंपल ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। और देखिए, मंत्रों में जिसको हम सबसे बड़ा मानते हैं, जिसमें सारी चीज़ें, गायत्री मंत्र, अगर आप तीन मंत्र कर सकते हैं तो तीनों कर लीजिए, ओम, ओम नमः शिवाय, गायत्री मंत्र, नहीं तो तीनों में से कोई भी कर लीजिए, कोई तो करिए, कोई एक मंत्र तो शुरू कीजिए। देखिए, आप जल्दी करना चाहें ओम का मंत्र तो आप जल्दी भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको धीरे ही करना, आपको लंबा आलाप ही लेना, आप थोड़ा छोटा आलाप भी ले सकते हैं, लेकिन जोर से बोल के करिए, थोड़ा तो आवाज़ निकालिए, ओम, कम से कम इतना तो निकालिए, बिल्कुल छोटा नहीं आपने बोलना, ओम नमः शिवाय। ऐसे आप लंबा ओम करके भी कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन आपको जोर से बोलना है। जब आप गायत्री मंत्र करेंगे, वैसे ही ये कितनी सारी नेगेटिविटीज़ को हटा देता है। देखिए, मंत्र जाप करना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। हम क्या करते हैं, अपने ऊपर ध्यान नहीं देते, समय नहीं है, समय नहीं है, भागते हैं, दौड़ते हैं, विदेशियों की बुराई करते हैं। विदेशी अपने ऊपर समय देते हैं, खुद को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को, अपने शरीर को महत्व देते हैं, जबकि ये सारी चीज़ें हमारे आध्यात्म में हैं, ये सारी चीज़ें हमारे संस्कारों में हैं, हमारे सनातन धर्म में हैं, लेकिन हम ये सब चीज़ें नहीं कर रहे। हम क्या है, भाग दौड़ कर रहे हैं कि हमें पैसे कमाने हैं, हमें लाभ चाहिए, हम ये चीज़ें कर लो, और हम खुद ही अपनी उन चीज़ों से दूर होते जा रहे हैं जो कि स्वयं हमारे संस्कारों में है, हमारे आध्यात्म में है। तो अपने आप से जुड़िए, अपनी ऊर्जाओं को पहचानने की कोशिश कीजिए, एक ना एक मंत्र जाप रेगुलर करिए, थोड़ी देर बैठ के जोर से बोल के करिए। और अगर आपको मंत्र का पूरा बिल्कुल कंप्लीट बेनिफिट लेना है, 1000% लेना है, तो मंदिर में जाके करके देखिए आप एक बारी, कितना मज़ा आता है। आप कहेंगे कि हमें तो मज़ा पिक्चर देखने में आता है, घूमने में आता है, आध्यात्म का नशा उससे भी बहुत ज़्यादा है। आप एक बारी मंदिर में जाके बैठ के एक बारी 108 बारी करके तो देखिए मंत्र का जाप, फिर देखिए आपको अंदर से जो सेटिस्फेक्शन मिलेगी ना, वो किसी भी मनोरंजन की चीज़ देख के, कोई भी शरीर का भोग करके नहीं मिलने वाली है। असली संतुष्टि आपकी आत्मा से ही मिलती है। बिल्कुल कीजिए, आप पूरे मनोरंजन कीजिए, शरीर के भोग भी लीजिए, लेकिन आत्मा को भी तो खुश करना ज़रूरी है। वो हमारे अंदर, हमारे हृदय में जो ईश्वर बसता है, उसे खुश करना, उसके साथ जुड़ना भी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपने ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए और मंत्र जाप कीजिए। मंत्र जाप करना भी बहुत ज़रूरी है, और कैसे करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।